हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज ब्यूटी टिप्स। गाइस, वो लोग जो मेरा वीडियो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे नेक्स्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको। और वो लोग जिन्हें बड़ा कंफ्यूजन है सब्सक्राइब हुआ है या नहीं हुआ है चैनल ये लेके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए कि हमने चैनल सब्सक्राइब किया है बट अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं। तो गाइज, अगर आपका वो रेड बटन जो नीचे विंडो में जस्ट दिख रहा है आपको, अगर वो ग्रे हो गया है दैट मीन्स कि चैनल सब्सक्राइब है, और अगर आपने उसको दो बार क्लिक कर दिया है वो अगेन रेड दिख रहा है दैट मीन्स कि चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ। तो इस कंफ्यूजन को दूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए कुछ नया और कुछ एक्साइटिंग सा लेकर। गाइज, मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे कि अंकिता कुछ ओपन पोर्स के लिए बताओ। ओपन पोर्स को दूर करना बहुत मुश्किल होता है, आप लोग मुझसे पूछ रहे हो दैट मीन्स आप लोग बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अप्लाई कर चुके होंगे। और आज मैं आप लोगों को ओपन पोर्स से रिगार्डिंग ही कुछ बताने जा रही हूँ। और ये टेस्टेड है, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया ये वीडियो बनाने में, क्योंकि मैंने बहुत सारे टेस्ट किए जिनका, मेरी एक फ्रेंड है जिसे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम थी और उसे मैंने एक अपना फॉर्मूला दिया था, उसने 1 महीने तक यूज किया, उसे फर्क दिखा, तब मैं आप लोगों को ये चीज बता रही हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि ओपन पोर्स होते क्यों हैं। स्किन में इम्प्योरिटी की वजह से भी ओपन पोर्स होते हैं, स्किन की प्रॉपर क्लिंजिंग ना होने की वजह से भी ओपन पोर्स होते हैं। बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो भी आपके ओपन पोर्स होते हैं, ड्राई स्किन है और आप मॉइस्चराइजर टाइम टू टाइम यूज नहीं कर रहे तो होते हैं ओपन पोर्स। बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, इम्प्योरिटीज इकट्ठी हो रही है, हम स्किन की क्लिंजिंग नहीं कर रहे, फेस वॉश नहीं कर रहे तो ओपन पोर्स होते हैं। तो ओपन पोर्स होने के कई सारे रीजन है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप इन सारी चीजों का ध्यान रखें, स्किन की क्लिंजिंग टाइम टू टाइम करते रहें। दूसरी बात ये है कि जो मैंने आप लोगों को नाइट क्रीम बताई है, अगर आप उसे फॉलो कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम काफी हद तक उससे भी कम होगी। इसके अलावा हमें ओपन पोर्स के लिए एक, मैं आप लोगों को आज फेस पैक बता रही हूँ जो आप लोगों को हर 3 डेज में अप्लाई करना है, और इसे करीब 2-2.5 मंथ तक करें तो आपको लगेगा कि ओपन पोर्स काफी हद तक खत्म हो गए। इसके लिए दो चीजें आपको चाहिए, आपको चाहिए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आप सबके घर पर होता है, इसके साथ आपको चाहिए वार्म वाटर। ये जो लिक्विड, ये जो लेप हम बनाएंगे फेस पे लगाने के लिए, ये वार्म वाटर से बनाएंगे, और जब इस लेप को हम हटाएंगे तो कोल्ड वाटर से हटाएंगे, ठीक है। तो हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून सोडा। इस 1 टेबल स्पून सोडा में आपको वाटर डाल के एक इसका पेस्ट बना लेना है। ये देखिए मैंने पेस्ट बना के रखा है, जैसे एक फेस पैक होता है ये उतना गाढ़ा पेस्ट है, गाढ़ा ही रखना है, बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं रखना है और बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं रखना है, ताकि आपके ओपन पोर्स में जब आप उसको लगाएं तो वो अच्छे से चिपक पाए, अपना काम कर पाए, गिरने ना लगे। इस पेस्ट को आपको अपने ओपन पोर्स पे सर्कुलर मोशन में 30 सेकंड तक मसाज करनी है, और मसाज करने के बाद 10 मिनट रखना है, रखने के बाद इसको ठंडे पानी से धो लेना है। ये आपको हर 3 दिन में एक बार करना है। एक्चुअली हमने इसमें सोडा यूज किया है, सोडा एक तो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, ये आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करता है, आपके स्किन को बैक्टीरिया फ्री करता है, और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी की वजह से आपकी स्किन में पिंपल्स और एक्ने की अगर प्रॉब्लम है तो वो भी दूर करता है। तो सोडा बहुत हेल्प करता है आपकी स्किन को बैक्टीरिया से हटाने, बैक्टीरिया आपकी स्किन से हटाने में, आपकी स्किन को क्लीन रखने में, ओपन पोर्स को श्रिंक करने में। तो गाइस, इसे आप यूज करें हर 3 दिन में एक बार, आपको फर्क दिखेगा, ओपन पोर्स आपके कम होने शुरू हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। हर 3 डेज में इसको एक बार यूज करें, स्किन की प्रॉपर क्लिंजिंग करें। आपको खुद को फील होने लग जाता है कि यार स्किन चिपचिपी हो रही है, उसी टाइम उठे फेस को वॉश करें, फेस वॉश करने का मूड नहीं है, क्लिंजिंग करें क्लिंजिंग मिल्क से, और कुछ फिर से थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा के बैठें। जितनी बार अपनी स्किन की क्लिंजिंग करेंगे ओपन पोर्स दूर होंगे, क्योंकि चाहे स्किन ड्राई हो चाहे स्किन ऑयली हो, दोनों ही कंडीशन में स्किन की क्लिंजिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और जो अपने स्किन की बहुत अच्छे से क्लिंजिंग करता है, स्किन को थोड़ी थोड़ी देर में मॉइस्चराइज करता है, स्किन फेस वॉश करता है, उसको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम कम होती है। तो इन दोनों को फॉलो कर, इन सारी बातों को फॉलो करें, उस नाइट क्रीम को अप्लाई करते रहें, क्योंकि एलोवेरा बहुत ज्यादा जरूरी होता है ओपन पोर्स को श्रिंक करने के लिए, जो उस नाइट क्रीम में ऑलरेडी अप्लाइड है, हमने डाला हुआ है। और साथ ही साथ उस नाइट क्रीम में वो सारी चीजें हैं जो आपके स्किन को हेल्दी रखने में, आपके स्किन को हाइड्रेट रखने में हेल्प करेंगे। तो उसको फॉलो करें और घर पे रहें, स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू।